Assalamu alaikum 3 class, here is your book, The Grammar Tree. So let's open your books. Chapter number 8, Verbs, Continuous Tenses. Verbs, Continuous Tenses. Students, in this chapter we have discussed about continuous tenses, that it's present continuous tense, past continuous tense and future continuous tense. Today we are going to solve its exercise number C on page number 31. Here is exercise number C. Rewrite each sentence changing the tense of the verb to that mentioned in bracket. One has been done for you. जी स्टूडेंट्स, ब्रैकेट में हमें जो टेंस बताया गया हमने उसके अकॉर्डिंग जो है सेंटेंस को चेंज करना है. अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस लिखा है तो हमने इस सेंटेंस को जो ऊपर इन्होंने दिया हुआ सेंटेंस उसको हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में चेंज करना है. और हमें पता होना चाहिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में विल बी और शैल बी यूज़ होते हैं और उसके अलावा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाता है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट तो हम डन हो चुका हुआ, सेकंड देखते हैं. शी स्लीप्स ऑन दिस बेड, सिंपल पास्ट. अब हमने इस सेंटेंस को सिंपल पास्ट में चेंज करना है और आपको पता है सिंपल पास्ट में हम यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं. ठीक है, सो वी विल राइट शी स्लेप्ट ऑन दिस बेड. ठीक है, मैंने अंडरलाइन इसलिए किए कि आपको पता हो कि हमने किस वर्ब की जगह क्या यूज़ किया. अब यहाँ पर स्लीप्स लिखा हुआ था तो स्लीप की सेकेंड फॉर्म स्लेप्ट होता है, दैट्स वाई शी स्लेप्ट ऑन दिस बेड. ठीक है, दैट्स वाई वी रोट दिस स्लेप्ट. नेक्स्ट इज़ द वाटर इन द कैटल वॉज बॉयलिंग, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस. जी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में करना है, आपको पता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो कौन कौन से यूज़ होते हैं, विल बी और शैल बी और इंक फॉर्म यूज़ होती है. ठीक है, तो वो हम यहाँ वॉज की जगह विल बी लगाएंगे क्योंकि मैंने आपको बताया था आई और वी के साथ शैल बी आएगा, बाकी सब के साथ विल बी यूज़ होगा. ठीक है, सो द वाटर इन द कैटल विल बी बॉइलिंग, द वाटर इन द कैटल विल बी बॉइलिंग. ओके, कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 32. सेंटेंस नंबर 4 इज द लाइट ऑफ द मून टर्न्ड एवरीथिंग टू सिल्वर, सिंपल फ्यूचर. जी इसको हमने सिंपल फ्यूचर में चेंज करने, सिंपल फ्यूचर में विल और शैल यूज़ हो रही हैं, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी उसमें. ठीक है, अब इसमें देख लें यहाँ पर टर्न्ड मैंने अंडरलाइन किया हुआ, यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है तो हम इसकी जगह एक तो विल यूज़ करेंगे और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टर्न यूज़ करेंगे. टर्न की फर्स्ट फॉर्म है टर्न. सो द सेंटेंस विल बी द लाइट ऑफ द मून विल टर्न एवरीथिंग टू सिल्वर. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज वी शैल मेक फ्रेंड्स विद हिम, सिंपल पास्ट. सिंपल पास्ट का जब आपने सेंटेंस बनाना है उसमें आपने सिंपल सेकंड फॉर्म लगा देनी है और कुछ नहीं यूज़ करना. ठीक है, यहाँ पर शैल मेक लिखा हुआ है तो इन दोनों की जगह हमने सेकंड फॉर्म लगा देनी है, किसकी, मेक की. ठीक है, मेक की सेकंड फॉर्म होती है मेड, वी मेड फ्रेंड्स विद हिम. नेक्स्ट सेंटेंस इज द स्वालोज फ्ल्यू अवे टू अ वार्म लैंड, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस. फ्यूचर कॉन्टिन्यूस दैट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा फ्ल्यू की जगह विल बी आएगा और उसके अलावा फ्ल्यू की फर्स्ट फॉर्म क्या है, फ्लाई है और फ्लाई के साथ हम आई एन जी लगा देंगे. द स्वालोज विल बी फ्लाइंग अवे टू अ वार्म लैंड. Next sentence is molten rock and ash from a volcano buried the city. Simple future. Simple future में change करना है इसको. Simple future means यहाँ पर हम will use करेंगे और इसके अलावा verb की first form के साथ ing लगा, sorry verb की simple first form use करेंगे. Buried है, buried की first form है bury. ठीक है, molten rock and ash from a volcano will bury the city. Next sentence is they fought with each other for 10 years, simple future. जी इसको भी हमने simple future में करना है as it is, जैसे हमने ऊपर वाला sentence किया will लगाएंगे और साथ में fought की first form क्या होती है, fight. तो fight लगा देंगे first form. ठीक है, they will fight with each other for 10 years.
नंबर 9, 8 men are rowing the boat. Future continuous. जी यहाँ पर हमने इसको future continuous में चेंज करने दें. इसमें हम सिंपल रोइंग पहले ही लगी हुई है, इंक फॉर्म पहले ही यूज़ हुई हुई आर है, तो आर की जगह हमने विल भी लगा देना है. 8 men will be rowing the boat. Next sentence is, Myra looks very happy. सिंपल पास में हमने चेंज करने लुक्स है, तो लुक्स की सेकेंड फॉर्म हमने बस लगा देनी है. लुक्स की सेकेंड, लुक की सेकेंड फॉर्म होती है लुक्ड. मायरा लुक्ड वेरी हैप्पी. नेक्स्ट इज द हॉर्सेस गलोप्ड अक्रॉस द फील्ड. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. जी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस तो वेरी सिंपल है, इज एम आर, इसमें हेल्पिंग वर्ब्स यूज होते हैं और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाता है. तो अब यहाँ पर ना इज लगेगा और ना ही एम लगेगा, यहाँ पर आर लगेगा क्योंकि हॉर्सेस प्लूरल आ रहा है. दैट्स वाई वी विल यूज आर देयर. द हॉर्सेस आर गैलोपिंग अक्रॉस द फील्ड. नेक्स्ट इज इन विंटर द ट्रीज शेड देयर लीव्स. सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर में हमने चेंज करना है. दैट मीन्स यहाँ पर हम विल या शैल में से यूज़ करेंगे और आपको पता है कि आई और वी के अलावा बाकी सब के साथ विल यूज़ होता है. यहाँ पर हम विल यूज़ करेंगे और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर देंगे. इन विंटर द ट्रीज विल शेड देयर लीव्स. नंबर 13, और टीचर टोल्ड अस अ फनी स्टोरी. प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में चेंज करना है हमने इसको. इज एम आर, मैंने आपको बताया कि इज एम आर यूज़ होते हैं और फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगता है. तो यहाँ पर और टीचर, टीचर सिंगुलर है, दैट्स वाई वी विल यूज़ इज एज अ हेल्पिंग वर्ब देयर. हम यहाँ पर इज यूज़ करेंगे और टीचर इज, और टोल्ड की फर्स्ट फॉर्म होती है टेल, तो टेल के साथ आई एन जी लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, टेलिंग. और टीचर इज टेलिंग अस अ फनी स्टोरी. नेक्स्ट इज डू यू गो टू स्कूल. सिंपल पास्ट. जी सिंपल पास्ट का अभी तक हमने क्वेश्चन वाला पोर्शन नहीं पढ़ा था, कि हमने सिंपल पास्ट में हमने पढ़ा था ना कि सिंपल जो पास्ट बनाते हैं, सिंपल जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसमें हम सिर्फ सेकेंड फॉर्म लगा देते हैं, ठीक है. लेकिन जब हम बनाते हैं उसका नेगेटिव, यानी जब हम उसमें नॉट लगाते हैं या इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं जिसमें हम सवाल पूछते हैं, उसमें जब हम जाते हैं सिंपल पास्ट में, तो वो सेकंड फॉर्म जो है वो फर्स्ट फॉर्म में चेंज होती जाती है और उसमें डिड आ जाता है, ठीक है. ये बात याद रखनी है. अब यहाँ पर डू है तो डू की जगह क्या आ जाएगा, डिड आ जाएगा. डिड यू गो टू स्कूल. नेक्स्ट लास्ट सेंटेंस इज द बिल्ड द ब्रिज इन अ ईयर. सिंपल फ्यूचर. अब सिंपल फ्यूचर में बनाना है, डेफिनेटली वी विल यूज विल देयर एज अ हेल्पिंग वर्ब एंड ऑल्सो द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब. यानी यहाँ पर हम विल यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे बिल्ड की जगह. दे विल बिल्ड, बिल्ड की फर्स्ट फॉर्म होती है बिल्ड, तामीर करना. दे विल बिल्ड द ब्रिज इन अ ईयर. सो स्टूडेंट्स ये बहुत ही आसान है. आपने इस वीडियो को 3 से 4 मरतबा गौर से सुनना है ताकि आपको टेंसेस जो हैं वो ठीक से समझ आ जाएं. और आपने ये एक्सरसाइज जो है वो लेड पेंसिल से नीट एंड क्लीन अपनी बुक पर सॉल्व कर लेनी है. ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.